हेलो, मैं खान सर बोल रहा हूँ। अभी तक तुम्हारा कोई बंदा मेरे पास तक क्यों नहीं पहुंचा? हाँ राघव, कैसे हो राघव? बस बढ़िया है, आप बताएं। अब तो जंगल में ही सारा काम बिठा रखा है, ना तो पब्लिक की चिंता और ना ही सही है दादा। चलो माल देखते हैं। माल तो एक नंबर का है। है कोई यहाँ पे? हाँ, बताओ शाम से जाएगा तू? कौन है तुम लोग और यहाँ कैसे? हम लोग जंगल में रिसर्च पर आए थे और हम लोग रास्ता भटक गए हैं, समझ नहीं आ रहा आखिर हम लोग जाएं कहाँ। चलो मैं बताता हूँ तुम लोगों को रास्ता। आओ मेरे पीछे भागो, कितने जरा भी हरकत की समझ गया। चल चल चल। या, ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, वैसे भी हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या खुश खुश कर रहे हो? आओ। रखो रखो, क्या रखो? ये क्या किया तुमने? हेलो, इसको भी मार दो, नहीं हम सबको फंसा देगा। टाइम बर्बाद मत करो, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। जब लाश ही नहीं रहेगी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तू ठीक कह रही है, लाश को ठिकाने लगाते हैं। निकलो जल्दी, आओ आओ जल्दी। रात हो गई है, अब हम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा। तुम लोग ऐसा करो, अपना अपना कैंप लगा लो। आलोक, हाँ देखो शायद कोई लकड़ी काट रहा है, या तो इससे कुछ लकड़ी ले लेते हैं या तो कुल्हाड़ी ले लेते हैं। हाँ ये सही रहेगा। क्यों? आओ देख। चलिए हेलो भाई साहब, क्या थोड़ी लकड़ियाँ देंगे आप? हाँ बिल्कुल, पर भाई साहब इस समय आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जंगल में लोग रिसर्च नहीं थे, हम लोग रास्ता भटक गए। अच्छा वो आप मिल गए। हेलो, हाँ कुछ कर रहा, बहुत तेज लग रही है। रुक भाई, अभी कुछ करता हूँ बंदोबस्त। अरे यार कल एक प्रोजेक्ट किया था, वो भी इतने मुश्किल के बाद। अब तुझे प्रोजेक्ट की पड़ी ये सोच, हम सब यहाँ से कैसे निकलेंगे? Thank you.
कौन हो तुम? कौन हो तुम? जाना नहीं हमको, बताया नहीं तुमको, जिसको मेरे दुश्मन के नाम पर दफनाया गया था, ये जिस्म मेरा है, तुम मुझे बताना चाहते हो खान? हजारों साल तक तुम इंसानों पर हुकूमत की है मैंने, तुम बुद्धिल हो, तुम बुद्धिल हो खान? सुबह होते हम लोग निकल जाएंगे, सब लोग निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे? जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा ना, तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। चुप रहो, जा रहा है। मैं से कोई नहीं बचेगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। हम सब बहुत मुसीबत में फंसे हैं, लगता है इस जंगल से निकलना बहुत मुश्किल है। काश मम्मी पापा की बात मान ली होती, यहाँ आया ही ना होता। क्या लगता है हम लोग बाहर निकल पाएंगे? इससे बचने का कोई उपाय तो सोचना होगा। नहीं नहीं, गांव में कहावत है, दिन में उसकी ताकत चार गुनी हो जाती है। तुम ठीक कह रहे हो, पर हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कुछ भी हो, सुबह होने तक हम मरने का इंतजार तो नहीं कर सकते। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जाए या न जाए, मैं इसी टाइम जंगल से बाहर जा रही हूँ। हम सब उससे लड़कर जीत नहीं सकते हैं, हम सबको सुबह तक का इंतजार करना ही होगा। आप सब सो जाओ, मैं बाहर नजर रखता हूँ। इस समय हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। इस ब्रह्मकाल का मुहूर्त में भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं कर सकता। मेरी तो मस्ती मारी गई थी जो इन लोग के साथ रुका है। भगवान मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अभी ये कहाँ चला गया? वो आया था। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से। पर यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ? उस शहर जिसने हमें ठुकरा दिया, या उसके पास जिससे हमने प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए थे? आपको जानकर तो मरने के लिए यहाँ नहीं रह सकते हैं ना। मुझे इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बाहर में जाए प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट छोड़कर नहीं जा सकते, जिसको जाना है वो जा सकता है। शांत हो जाओ, कुछ भी हो जाए हम लोग साथ आए थे, साथ जाएंगे। इस खान की बातों पर भरोसा मत करो, ये हमारा दुश्मन है, इसके साथी को मारा है हम लोगों ने, इसीलिए हम सबको फंसा रहा है ये। अपना टाइम बर्बाद नहीं करता,
हमें जल्द से जल्द उस सोने के चमकने वाले पेड़ को खोजना होगा। नक्शे के हिसाब से हम लोग उसके बहुत ही करीब हैं। खान कहाँ गया? लगता है वो भाग गया। उसको डर था कि हम सब उसे मार देंगे, इसीलिए वो भाग गया। चलो टाइम बर्बाद ना करो, वैसे फालतू फालतू बहुत टाइम बर्बाद हो चुका है। लक्ष्य के हिसाब से रास्ता नदी के किनारे से ही जाता है, पर नदी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही संभल कर चलना, ठीक है? Thank you.